दलित मुस्लिम एकता मंच द्वारा महर्षि वाल्मीकि महाराज के पावन प्रकट दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के संबंध में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और एक प्रार्थना पत्र मंडलायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि रामायण के रचयिता राम की जनक सीता के रक्षक लव कुश के शिक्षक महर्षि वाल्मीकि के प्रकट दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश क्यों नहीं है। राम मंदिर की जोर शोर से आवाज उठाई जा रही है, लेकिन जिसकी वजह से उनकी पहचान होती है, वाल्मीकि प्रकट दिवस के अवसर पर अवकाश घोषित क्यों नहीं है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि वाल्मीकि प्रकट दिवस पर अवकाश घोषित किया जाए। मेरा नाम फकीर चंद नागवंशी है। किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है? आज हमने मंडल महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के ज्ञापन भेजा है, जिसमें भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस की राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए, क्योंकि जिस रामचंद्र जी की बात करते हैं, वह रामायण के द्वारा भगवान वाल्मीकि की पहचान हुई है कि राम के जनक, सीता के रक्षक, लव कुश के शिक्षक भगवान वाल्मीकि छुट्टी क्यों नहीं होती, क्या कारण है, जबकि आज राम की पहचान भगवान वाल्मीकि जी की वजह से है। अगर भगवान वाल्मीकि जी रामायण नहीं लिखते तो कभी राम को कोई नहीं जानता। आज राम के नाम पर शोर काट रहे हैं, लेकिन जिसने राम की पहचान करी उसका नाम कहीं से नहीं लेते लोग। आज हमने ज्ञापन दिया है माननीय प्रधानमंत्री के नाम, उसमें लिखा कि भगवान वाल्मीकि की अवकाश की छुट्टी की जाए। और ये संगठन दलित मुस्लिम एकता मंच है, जिसका नाम दलित और पिछड़े मुस्लिम समाज की बात को लेकर चलता है संगठन। इसने सभी समाज की बातों की बात करता है संगठन। इसी संगठन के माध्यम से भगवान वाल्मीकि की छुट्टी की मांग की है हम लोग।